जानते एक बूढ़ा, एक बूढ़े से किसी ने पूछा, बाबा पर्दे के बारे में कुछ जानते हो? तो बूढ़ा कहने लगा, पढ़ा लिखा नहीं हूं, कुरान ने क्या कहा पर्दे के बारे में मालूम नहीं, हदीस में क्या आया पर्दे के बारे में मालूम नहीं, लेकिन पर्दा बहुत अहम है, मैंने यह सीखा जरूर। कहा वो कैसे? कहा मेरा 4 साल का पोता है, मैं उसके लिए दुकान से चॉकलेट लाता हूं, उसको खोल कर देता हूं, वो आधा खाने के बाद रख देता है, दोबारा जब आधा उठाता है तो उस पर चींटी लग चुकी होती है, उस पर मक्खियां बैठ चुकी होती, फिर मेरा पोता वो खाता नहीं है। हम कहते हैं कि धोकर दे देंगे खा ले, लेकिन वो मांगता नहीं, वो किसी तरह से तैयार ही नहीं होता खाने के लिए, हमें दोबारा दूसरी चॉकलेट लानी पड़ती है जो रैपर में होती है, जो पैकेट में पैक होती है। यानी मैंने इससे पर्दे की अहमियत सीखी है, एक बार चॉकलेट को खोल दिया जाए तो मक्खी और चींटियां उस पर लग जाती है, फिर धो भी दे तो भी बच्चा उसको खाने को तैयार नहीं होता। इसी तरह से मुसलमान बच्ची अगर बेपर्दा निकल जाए तो उस पर भी नजासत के कीड़े लग जाते हैं, उस पर भी लोगों की गंदी नजरें पड़ जाती हैं, उसके बाद उसको कितना भी पाक और साफ कर दो लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहते।